नमस्कार सभी हार्ट्रोन के टेस्ट देने वाले कैंडिडेट्स को। हार्ट्रोन के अंदर जो जॉब वैकेंसीज निकलती हैं जूनियर प्रोग्रामर और प्रोग्रामर की, उसमें एक असाइनमेंट उनको मिलती है। उस असाइनमेंट की मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट आई है कि उनको सॉल्यूशन उनको दें, तो मैं आज इसमें कोशिश करूंगा आपकी जो असाइनमेंट्स हैं, एक असाइनमेंट आज एटलीस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो एक ये डेटाबेस है, असाइनमेंट है जो जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेरी है, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे असाइनमेंट को प्रिपेयर करना है। तो इस असाइनमेंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिएगी। एक तो चाहिएगा आपको सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और दूसरा चाहिएगा आपको विजुअल स्टूडियो। सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के लिए मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2008 इंस्टॉल किया हुआ। इसके अंदर ये सर्वर नेम रहेगा आपका, ये आपका है कंप्यूटर का नाम, और ये आपका है आप सीक्वल सर्वर जो भी आपने इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ। तो विंडोज ऑथेंटिकेशन के कोरस्पॉन्डिंग मैं, क्योंकि सेम सिस्टम पे है, मैं इसके ऊपर लॉगिन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक डेटाबेस क्रिएट करना है। इस डेटाबेस की कनेक्टिविटी आपको फिर विजुअल स्टूडियो के साथ करनी है। तो डेटाबेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेटाबेस का नाम मैं इसके अंदर दे देता हूँ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टेस्ट के नाम से मैंने इसका एक डेटाबेस क्रिएट किया। ये डेटाबेस हमारा जब आप क्रिएट करोगे, यहाँ पर ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब इस डेटाबेस के अंदर हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा इंटरफेस क्रिएट हो गया जहाँ पर आप डेटाबेस की टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अंदर हमें देखते हैं कि कौन कौन सी हमें टेबल क्रिएट करनी होगी। तो वो जो हमारी प्रॉपर्टी वाली जो डेटाबेस है उसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी हमारी टेबल है यहाँ पर। तो सबसे पहली अगर हमें देखें, ये है प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप में फील्ड के नेम है प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टाइप नेम। तो ये टेबल के, ये डेटाबेस की टाइप है, ये इनके रिमार्क्स हैं, ये हम यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी टाइप आईडी। डेटाबेस है हमारे यहाँ पर इंटीजर, ये न्यूमेरिक ले सकते हैं हम, और प्रॉपर्टी टाइप नेम वायर कर इसको हम बना देते हैं। अब इसको हमें प्राइमरी की बनाना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इस पर सेट करके सेट प्राइमरी की कर देंगे, और ये नॉट नल इस पर यहाँ से हटा देंगे इसको। ये हमारी फर्स्ट टेबल क्रिएट कर दी हमने, टेबल प्रॉपर्टी टाइप, इस टेबल का मैंने नाम दे दिया टेबल प्रॉपर्टी टाइप। हमारी ये फर्स्ट टेबल क्रिएट होगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये टेबल के कॉलम के नाम वगैरह यहाँ पर डिफाइन हो जाएंगे। ऐसे ही सेकंड जो टेबल है इसके अंदर वो है आपकी टेबल सर्कल रेट। अब इसमें है सर्कल आईडी, सर्कल नेम, आपके उसका अगर आप इसको थोड़ा और जूम कर लें, यह है रेट, प्रॉपर्टी टाइप आईडी और नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ प्लॉट। इसको हम क्रिएट करते हैं इसके अंदर, ये है सर्कल रेट। फिर एक टेबल और इसके अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं, यहां पर हम लिखेंगे सर्कल आईडी, ये भी न्यूमेरिक है, ये हमारा क्या होगा प्राइमरी की। सर्कल नेम वर्कर और देखें क्या है, सर्कल नेम रेट, रेट
वर्कर, और आपका है प्रॉपर्टी टाइप। इसके अंदर देखें हमने 5 फील्ड्स लेकर के इस टेबल को सेव कर दिया। अब आप सेव सेव से हमने टेबल सर्कल के नाम से इसको सेव किया, तो आप यहाँ पर आप उसके फील्ड्स चेक कर सकते हैं। ये हमारे फील्ड्स बन गए। अब नेक्स्ट टेबल देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट टेबल है हमारी स्टाम्प ड्यूटी डिटेल्स। तो इसके अंदर नेम, जेंडर, प्रॉपर्टी टाइप आईडी, सर्कल आईडी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एरिया, प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी और टोटल अमाउंट, ये हमारे फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स को लेकर के हम स्टाम्प ड्यूटी डिटेल्स टेबल क्रिएट करेंगे। हम एक नई टेबल और इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। हमें एड न्यू टेबल, टेबल्स पे क्लिक करेंगे, एड न्यू टेबल, और यहाँ पर जो जो फील्ड्स हैं उन्हीं की टेबल बना लेते हैं। नेम है स्टाम्प ड्यूटी डिटेल, तो नेम फील्ड हो सकता है, तो ई नेम कर लेते हैं हम, पर्सन नेम। जेंडर ये वर्कर और ये भी वर्कर। नेम जेंडर, और नेक्स्ट है प्रॉपर्टी टाइप आईडी। प्रॉपर्टी टाइप आईडी ये हमारा न्यूमेरिक, ये हमारा फॉरेन की फील्ड होगा, मतलब आपको यहाँ से इंसर्ट ना करा करके दूसरी टेबल से इसको उठाना। सर्कल आईडी, ये भी न्यूमेरिक। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्पेस नहीं आएगा इसके अंदर। डेट ऑफ रजिस्टर, इसको हम डेट डेटा टाइप ले लेंगे। एरिया, प्रॉपर्टी वैल्यू, एरिया, प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी और टोटल अमाउंट। ड्यूटी टोटल अमाउंट, एरिया हमारा न्यूमेरिक है, प्रॉपर्टी वैल्यू न्यूमेरिक है, स्टैम्प ड्यूटी न्यूमेरिक है और टोटल अमाउंट भी हमारा न्यूमेरिक है। इस तरह से हमने अब इसके अंदर एक फील्ड और प्राइमरी की का होना चाहिए, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एक कॉलम ई प्रॉपर्टी वैल्यू आईडी न्यूमेरिक, इसको हम प्राइमरी की यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और देखें इसके अंदर टोटल अमाउंट, अब ये जो कंडीशंस दी हैं ये जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब उसके अंदर इसको डिफाइन करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी डिटेल्स है, स्टैम्प ड्यूटी डिटेल्स, यहाँ स्टैम्प ड्यूटी आईडी हम इसके अंदर दे देते हैं, इसको इसका नाम देते हैं स्टैम्प ईवीएल, स्टैम्प ड्यूटी डिटेल्स। ये हमने डेटाबेस यहाँ पर दोनों के दोनों टेबल्स का क्रिएट कर दिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसके अंदर हो गया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमने 3 टेबल्स इसके अंदर क्रिएट की, पहले प्रॉपर्टी टाइप की, दूसरी सर्कल रेट की, और तीसरी हमारी जो टेबल होगी स्टैम्प ड्यूटी डिटेल्स। 3 टेबल्स ये हम क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पर। अगर आप डेटाबेस देखें प्रॉपर्टी टाइप के अंदर, तो 3 टेबल हम यहाँ क्रिएट कर चुके हैं, प्रॉपर्टी टाइप, सर्कल और आपका स्टैम्प ड्यूटी डिटेल्स। ये आपके असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हमने इसको करने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक
एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया। इसमें लॉगिन करने के लिए सर्वर का नाम, ये सर्वर का नाम जो बनेगा आपके कंप्यूटर का नाम। और हार्ट्रॉन की असाइनमेंट के लिए हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया, जिसमें हमने प्रॉपर्टी टेस्ट के नाम से डेटाबेस बनाया। उस डेटाबेस के अंदर तीन टेबल क्रिएट की, सर्कल, प्रॉपर्टी टाइप और आपका स्टैम्प ड्यूटी डिटेल्स। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसके अंदर, उस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो के अंदर इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और उसमें डेटाबेस एंट्री करेंगे, जैसे कि इस असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ। इस असाइनमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम उसके अंदर एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर इसने जो दिया है कि आपने क्या करना, मेक 3 मैनुअल एंट्रीज इन सर्कल रेट एंड 2 मैनुअल एंट्री इन टेबल प्रॉपर्टी टाइप फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल। तो हम पहले ये सेकंड जो पार्ट है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, जो प्रॉपर्टी टाइप है वो इसमें दो तरह की बताई है, तो हम उसके अंदर दो इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। प्रॉपर्टी टाइप पोस्टग्रेफ 1, प्रॉपर्टी टाइप है जैसे रेजिडेंशियल, और सेकंड है कमर्शियल। तो दो एंट्री हमने इसके अंदर मैनुअली कंप्लीट कर ली। थर्ड जो था आपका सर्कल, सर्कल के अंदर भी आपको तीन एंट्रीज इसके अंदर करनी है। सर्कल आईडी 1 हो गया, सर्कल नेम जैसे पानीपत, रेट आपका हो गया आपका 40,000, और प्रॉपर्टी टाइप फर्स्ट दे दी मैंने, नंबर ऑफ प्लॉट्स उसके अंदर सपोज करो 10 नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, और फर्स्ट इसके अंदर ये एंट्री होगी। सेकंड है 2, ये भी पानीपत के अंदर, और ये आपका है 45,000, ये आपका सेकंड टाइप की, इसके भी आपके 2 10 प्लॉट्स हैं। तो इसमें जो असाइनमेंट में कहा है कि आपने 3 मैनुअल एंट्री करनी है सर्कल रेट के अंदर, तो 3 एंट्री सर्कल रेट के अंदर करनी है। तो तीसरी एंट्री है और कर देते हैं हम सर्कल रेट 3, सर्कल आपका करनाल, करनाल में 55,000, और प्रॉपर्टी टाइप 2, नंबर ऑफ फ्लोर्स इसके अंदर आपके हैं सपोज को 10 ही मैंने इसके अंदर नंबर ऑफ फ्लोर्स दे दिए। ये हमने मैनुअल एंट्री इसके अंदर कर दी है। ये आपका जो स्टेप था, ये आपका स्टेप था, ये सेकंड स्टेप, मेक 3 मैनुअल एंट्री इन सर्कल रेट एंड 2 मैनुअल एंट्री इन टेबल प्रॉपर्टी टाइप फॉर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज टाइप वैल्यूज कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट के अंदर इसका, डिजाइन ए जीयूआई टू सेव डाटा विद प्रॉपर चेक्स एंड वैलिडेशन इन टेबल स्टैम्प ड्यूटी डिटेल्स, प्रॉपर्टी नेम एंड सर्कल नेम शुड बी विजिबल ऑन द जीयूआई ड्रॉप डाउन, एंड टोटल प्लॉट्स रजिस्टर्ड बाय कस्टमर मस्ट नॉट एक्सेड द नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल इन द फॉर द सर्कल एंड प्रॉपर्टी टाइप। मीन्स जो कस्टमर किसी भी उसके लिए रजिस्टर करेगा वो नंबर ऑफ प्लॉट्स जो अवेलेबल हैं हमारे उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, सर्कल में है और एक प्रॉपर्टी टाइप के अंदर अवेलेबल है। तो पहले हम इसका जीयूआई क्रिएट कर लेते हैं। जीयूआई क्रिएट करने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी। उस विजुअल स्टूडियो के अंदर हमें सारा डेटा डिस्प्ले करना है। उसके लिए हम मैं खोल लेता हूँ विजुअल स्टूडियो वर्जन, आपके पास कोई भी हो सकता है, 10 से लेकर के 2020 तक या जो भी लेटेस्ट चला हुआ है। इस कंप्यूटर पे जाके आपको देखना होगा कौन सा आपका विजुअल स्टूडियो वहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो मैं विजुअल स्टूडियो यहाँ पर 2010 का यूज करूँगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं ओपन करूँगा न्यू वेबसाइट, और इस वेबसाइट का एम्प्टी वेबसाइट ही हम ले लेंगे यहाँ पर, और एम्प्टी वेबसाइट के अंदर इस वेबसाइट का नाम दे देता हूँ मैं, वेब असाइनमेंट प्रॉपर्टी, और इसको मैं यहाँ पर ओके कर दूँ। ये हमारा एक ब्लैंक आपका कंप्लीट ब्लैंक इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होगा, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर,
इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपने राइट क्लिक करना और ऐड न्यू आइटम से एक वेब फॉर्म ऐड कर देना। वेब फॉर्म, ये मैंने वेब फॉर्म इसमें ऐड कर लिया। एक ब्लैंक पेज है जिसके ऊपर सिर्फ HTML का कोड लिखा होगा। एक इसके अंदर आपको इंटरफेस पेज होगा और एक तो हार्ट्रॉन की असाइनमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेप में हमने कंप्लीट कर लिया कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कैसे हम एक अपना इंटरफेस कैसे क्रिएट करेंगे, उसको क्लब कैसे करेंगे डेटाबेस के साथ, कैसे इसको ट्रैक करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, मैं दोबारा से इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। क्या किया है, सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो मैंने यहाँ पर 2010 ओपन किया। 10 ओपन करने के बाद मैंने एक ब्लैंक वेबसाइट ओपन की। उस वेबसाइट के अंदर यहां से हम क्या कर सकते हैं, फाइल से न्यू वेबसाइट, और वेबसाइट में एम्प्टी वेबसाइट, और यहां पर वेबसाइट का नाम, जो भी आप वेबसाइट का नाम देना चाहें वो वेबसाइट का नाम दे दें मैंने टेस्ट वन। ये ब्लैंक वेबसाइट ओपन होगी। यहां पर हम क्या करते हैं, फिर राइट क्लिक करके, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऐड न्यू आइटम से एक खाली वेब फॉर्म हमें इसके अंदर ऐड कर लेना। ये खाली वेब फॉर्म ऐड हो गया यहाँ पर। अब आप जाओगे, ये ASP.NET पेज है और ये C# का पेज है। ASP.NET पेज पे हमें HTML कोड लिखना है और C# के अंदर आपको कोड लिखना है डाटा एंट्री के लिए, कोड आपका जो बिजनेस लॉजिक के लिए। एक आप यहाँ पर व्यू में सर्वर एक्सप्लोरर होगा, यहाँ पर उसको ओपन करेंगे। डेटाबेस कनेक्शन यहाँ से आप बना सकते हैं ऐड कनेक्शन क्रिएट करके, और यहाँ पे क्लिक करोगे आप सर्वर नेम, तो वो जो आपने SQL सर्वर के अंदर नाम दिया था वो नाम आपको यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा, और अगर ना आए तो आपको इसको मैनुअली भी लिखना पड़ सकता है। ये अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो डेटाबेस कनेक्शन है वो 100% सक्सेस रहेगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखो मैंने नाम दिया था आपको कंप्यूटर का नाम, और ये आपका सर्वर ने SQL सर्वर का नाम जिस नाम से आपने इंस्टॉल किया है। इसको सेलेक्ट करोगे तो हार्ड्रोन टेस्ट के नाम से, प्रॉपर्टी टेस्ट के नाम से हमने डेटाबेस बनाया था, इस पर क्लिक करोगे, टेस्ट कनेक्शन करोगे, ये सक्सीड हो जाएगा, और ओके करोगे तो ओके करने के बाद आपको ये डेटाबेस यहाँ पर डिस्प्ले होगा। टेबल्स जो आपने वहाँ क्रिएट की थी तीनों की, तीनों टेबल यहाँ पर आ जाएंगी। उसके अंदर जो आपने डेटा एंट्री की थी सर्कल के अंदर, सर्कल वाली एंट्री आ जाएगी, और प्रॉपर्टी टाइप के अंदर प्रॉपर्टी टाइप की एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से आपका डेटाबेस यहाँ पर कनेक्शन कैसे बनाएंगे, कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, वो भी अभी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ASP.NET पेज है उसके ऊपर हम इंटरफेस डिजाइन कर लेते हैं। तो इंटरफेस डिजाइन करने के लिए हमें अब देखना होगा कि हमें डेटा एंट्री किस किस चीज की करनी है। तो हमें जो डेटा एंट्री करनी है वो डिजाइन डेटाबेस करना, हमें प्रॉपर चेक्स लगानी है इसके अंदर, प्रॉपर्टी का नाम, सर्कल नेम ये आने चाहिए, आपके जो जो फील्ड्स इसके अंदर दिए हैं, नेम, जेंडर, प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी, टोटल अमाउंट, ये और आपका प्रॉपर्टी टाइप, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, टोटल स्टाम्प ड्यूटी, ये रिपोर्ट्स रहेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी टाइप, फिर सर्कल टाइप, उसके लिए पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर डिजाइन के अंदर जाके, यहाँ पर एक इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेबल डिजाइन कर लेता हूँ, HTML टेबल मैं इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ HTML टैब से। एक यहाँ पर मैंने टेबल इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इसके अंदर रो और कॉलम्स आ गए, सेंटर वाले कॉलम्स के अंदर आप क्या करें, फर्स्ट में, फर्स्ट कॉलम के अंदर हम यहाँ लिख देंगे प्रॉपर्टी, टाइप, इसके अंदर यूजर लिखेगा कि आपका वो किस तरह की प्रॉपर्टी, सर्कल नेम, कौन से सर्कल में उसको प्रॉपर्टी लेनी है वो यहाँ आ जाएगी। इसके अंदर और रो ऐड करनी है तो टैब प्रेस करेंगे तो इसके अंदर और रो ऐड्स अपने आप से ही होते जाएंगे, सर्कल नेम,
उसके बाद है इसके अंदर क्लाइंट का नाम, उसका जेंडर, क्लाइंट नेम, जेंडर, फिर उसके अंदर अगर हम देखें जैसे हम इंटरफेस क्रिएट कर रहे थे, हमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए किस डेट पे है, एरिया इस एरिया में, प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी, टोटल अमाउंट। तो हम इंटरफेस पे आते हैं, जेंडर, यहाँ पर हम एरिया, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हमें देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सिस्टम की डेट हम इसके अंदर डिस्प्ले करा देंगे, उसी को हम डेटाबेस में एंट्री करा देंगे। टोटल एरिया के बाद में प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, स्टाम्प ड्यूटी और टोटल अमाउंट। ये सब हमें इसमें कैलकुलेट करना है, इस इंटरफेस, ये हमारे फील्ड्स यहाँ पर ले लिए। अब जैसे कि असाइनमेंट में गिवन है, उस असाइनमेंट के कोरस्पोंडिंग हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टी टाइप के लिए यहाँ से, क्योंकि ऑटोमेटिकली आना चाहिए, यहाँ पर आपने ले लिया ड्रॉप डाउन लिस्ट, सर्कल नेम, इसके लिए भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेंगे, क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम के लिए यहाँ पर होगा टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हम ले लेते हैं, जेंडर के लिए आप यहाँ पर रेडियो बटन ले सकते हैं, रेडियो बटन वन, रेडियो बटन टू, ये हमने रेडियो बटन ले लिए, एरिया, एरिया हमारा टेक्स्ट फील्ड होगा, ये ले लेते हैं। अब जो फील्ड हमें मैनुअल नहीं लेने हैं, ऑटोमेटिकली आने हैं, उनके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं लेबल, ये मैंने प्रॉपर्टी वैल्यू के लिए लेबल लिया, ऐसे स्टैम्प ड्यूटी के लिए लेबल लिया, और यहाँ पर टोटल अमाउंट के लिए। अब हम इसके अंदर यहाँ पर हम बटन इसके अंदर ऐड कर लेते हैं सबमिट करने के लिए, ये मैंने बटन ऐड कर दिया सबमिट करने के। प्रॉपर प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या करते हैं, सभी फील्ड्स की प्रॉपर नेमिंग दे देते हैं। प्रॉपर नेमिंग देने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका नाम है, इसका नाम मैं सिर्फ दे देता हूँ DDL, प्रॉपर्टी टाइप DDL, सर्कल TXT, क्लाइंट नेम, रेडियो बटन, RBT मेल, के टेक्स्ट में इनका ग्रुप ले देते हैं जेंडर, टेक्स्ट में ले देते हैं हमारे मेल, सेम एज इट इज, रेडियो बटन टू, RBT फीमेल, और ग्रुप नेम ZN, टेक्स्ट, एरिया इसका नाम चेंज कर देते हैं TXT एरिया, लेबल पे डेट LBL डेट, इस तरह से हमने अपना
एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया है। अब इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहले हमें असाइनमेंट के अनुसार वैलिडेशंस लगानी, प्लस में प्रॉपर्टी टाइप और सर्कल नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाने। तो हम पहले प्रॉपर्टी टाइप और सर्कल नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में ले आने के लिए हमें क्या कोड करना होगा वो कोड हमें उसके अंदर करते हैं। तो कोडिंग करने के लिए हम इसके सीएस पेज पे आते हैं। सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर जो हमने डेटाबेस कनेक्ट किया था, इस डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए अब हमें इसकी प्रॉपर्टी में आ गए। यहाँ पर एक लिखी हुई डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, आप इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी से। एक ग्लोबल एक वेरिएबल बना लो, ये हमें बार बार इसको ना लिखना पड़े। और इस वेरिएबल के अंदर मैंने उस डेटाबेस कनेक्टिविटी को इसमें पुट कर दिया है। इसके आगे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एट द रेट सिंबल लगा दूंगा ताकि एरर शो ना करे। ये डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी हमारी। अब वॉइड फिल हमें सर्कल नेम तो यहाँ हम एक पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, एसक्यूएल क्लाइंट यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। दो मैंने नेम स्पेस इसके अंदर ऐड की। सबसे पहला हमारा काम होगा कनेक्शन बनाने का, तो हमें एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। इस कनेक्शन के अंदर हम कनेक्शन सिंग दे देंगे सीएनएस के। फिर हम कराएंगे एसक्यूएल कमांड सीएम इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इसके अंदर हम जिस डेटा से हमें डेटा एक्सेस करना है वो हम इसके अंदर पास कर देते हैं। सिलेक्ट सेलेक्ट हमें टेबल हमारे पास में थी सर्कल, सर्कल आईडी और सर्कल नेम। सेलेक्ट आईडी कॉमा सर्कल नेम, टेबल का नाम। ये हमने क्वेरी लिखी। अब इसको किस कनेक्शन पे करना है वो कनेक्शन हम इसमें पास कर देते हैं। इस कनेक्शन को ओपन कर लेते हैं और एसक्यूएल डेटा रीडर डी आर इज इक्वल टू सी एम डॉट एग्जीक्यूट रीडर। डेटा हमारा एसक्यूएल रीडर के अंदर आ जाएगा। इफ डी आर डॉट हैज रोज, उसमें रो हैं फॉर ईच डेटा रो इन डी आर इन रो इन डी आर डॉट रोज वाइल लूप लगा देते हैं। वाइल डी आर डॉट रीड
डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम सबसे पहले सर्कल नेम फिल करा रहे थे। सर्कल नेम फिलाने कराने के लिए हमने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, एक कमांड ली इससे डेटा उठाना, एक राइट आई रीडर बनाया, चेक लगाया कि अगर उसमें रो है तो रो रीड करें, और सर्कल जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट या उसमें सर्कल ऐड कर दे, उसकी आईडी भी इसके अंदर ऐड कर दे। अब हमें इसके अंदर एक और आपका प्रॉपर्टी टाइप ऐड करनी है कि वो प्रॉपर्टी टाइप आपकी किस तरह की है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। उसके लिए मैं कोड लिख रहा हूँ, वॉइड फिल प्रॉपर्टी टाइप। इसके अंदर भी हमें एसक्यूएल कनेक्शन ऑन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसमें कनेक्शन सिंक पास कर देते हैं जो ऊपर हमने बनाई थी। एसक्यूएल कमांड सी एम इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, इसके अंदर हमें क्वेरी लिखनी है सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, यहाँ पर हम स्टार ही लगा देंगे सारे फील्ड उठाने में, फॉर्म ईवीएल प्रॉपर्टी टाइप कौन से कनेक्शन पे, कनेक्शन दे देंगे, कनेक्शन को ओपन कर लेंगे और फिर कंडीशन लगाएंगे इफ एसक्यूएल डेटा रीडर डीआर हम क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें तो हमने डाटा एक्सेस करना है वो एक्सेस कर लेंगे यहाँ पर सी एम डॉट एग्जीक्यूट रीडर इफ डी आर डॉट हैज रोज, मतलब उसके अंदर अगर रो हैं तो वो क्या करें एक वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल डी आर डॉट रीड जब तक डाटा रो रीड होती है तब तक डी डी एल सर्कल डी डी एल टाइप डॉट आइटम्स डॉट एड, इसके अंदर हम डी आर के अंदर जो हमारा डेटा प्रॉपर्टी टाइप है वो इसके अंदर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो हमारा प्रॉपर्टी टाइप नेम, प्रॉपर्टी टाइप नेम ऐड हो जाएंगे। एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर इंडेक्सिंग के लिए जीरो, और मीडियल प्रॉपर्टी टाइप डॉट आइटम्स आई डॉट वैल्यू, इसके अंदर हम इक्वल टू प्रॉपर्टी आईडी है वो इसको हम असाइन कर देते हैं। इसलिए क्या है कि अभी डेटाबेस में हमें स्टोर उसकी आईडी करानी है ना कि उसका नाम, और यूजर को हमें उसका नाम डिस्प्ले कराना है, प्रॉपर्टी टाइप आईडी इसके अंदर ऐड डिस्प्ले करा देते हैं प्रॉपर्टी टाइप आईडी। अब हर बार इसमें पहली आइटम क्लियर हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं डीडीएल प्रॉपर्टी टाइप डॉट आइटम्स डॉट क्लियर क्लियर कर दे, और डीडीएल प्रॉपर्टी टाइप डॉट आइटम्स डॉट ऐड उसके अंदर सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप मैं इसके अंदर यहाँ दे देता हूँ, इसको मैं जीरो के बजाय यहाँ वन से स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि डिफॉल्ट इंडेक्स इसका इससे स्टार्ट हो गया। ऐसे ही हम सर्कल के अंदर भी सेम ये कर देते हैं, इसको भी वन से स्टार्ट कर देते हैं, इसके अंदर डिफॉल्ट इस तरह का ही ऐड कर देते हैं डीडीएल सर्कल से चेंज कर देंगे। अब अगर हम इसको रन करके देखें इसको क्या करते हैं प्रॉपर्टी टाइप को जब पेज लोड होता है फर्स्ट टाइम सिर्फ इसको उसी टाइम पे कॉल करना है, हम लिखेंगे पेज लोड पे इस पोस्ट पे फॉल्स के अंदर इसको हम कॉल कर लेते हैं। अगर आप देखें तो न्यू इन ब्राउजर प्रॉपर्टी टाइप रेजिडेंशियल और कमर्शियल और आपका फिर पानीपत ये आपका सर्कल नेम है, इसको हम अपडेट कर देते हैं यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे सिलेक्ट
अब हम क्या करते हैं, थोड़ा कोड भी चेंज करते हैं, क्योंकि जो रेजिडेंशियल है रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग या कमर्शियल है कमर्शियल के अकॉर्डिंग सर्कल नेम आने चाहिए, यहाँ पर सारे नहीं आने चाहिए। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर आप डेटाबेस भी देखें तो सर्कल के अंदर ये प्रॉपर्टी आईडी है, इस प्रॉपर्टी आईडी के अकॉर्डिंग सर्कल नेम आने चाहिए, और ये प्रॉपर्टी आईडी फॉरेन की है इस टेबल की। तो जब सर्कल नेम फिल करें तो यहाँ हम एक इंटीजर प्रॉपर्टी आईडी ले लेते हैं, और यहाँ पर हम एक वेयर क्वेरी लगाते हैं, वेयर प्रॉपर्टी टाइप आईडी, आईडी इज इक्वल टू जो प्रॉपर्टी आईडी हमें टाइप आईडी यहां से आएगी वही प्रॉपर्टी आईडी के कोरस्पॉन्डिंग डेटा आना चाहिए। और इस मेथड को अब हम पेज लोड पे कॉल ना करा करके, मतलब मैं इसको यहां से हटा देता हूँ, इसको हम चेंज करेंगे। जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है फर्स्ट, इसके ऊपर एक पहला काम आपको करना है अनेबल ऑटो पोस्ट बैक। जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करोगे तो इसका इवेंट फायर नहीं होगा, इवेंट फायर हो फिर इस पे डबल क्लिक करेंगे हम, इसके सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज के ऊपर, फिर हमें क्या करना है आपका ये वाला कॉल करना है। तो मैं इसको यहाँ कॉल करूंगा। अब इसमें हमें डालना है प्रॉपर्टी आईडी, तो ये प्रॉपर्टी आईडी अब कहाँ से आएगी, ये आएगी अब आपकी जो डीडीएल आपका प्रॉपर्टी टाइप है डॉट आइटम डॉट वैल्यू के अंदर मैंने इसको स्टोर कराया था, डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, इससे आपकी वैल्यू प्रॉपर्टी आईडी के अंदर आएगी। अब ये इंटीजर में है तो डॉट पास करेंगे हम इसको, डॉट इसको भी हम ये आपको से ये मैटर हूँ। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो प्रॉपर्टी टाइप अगर मैंने रेजिडेंशियल दी है तो रेजिडेंशियल के हिसाब से दो ही सर्कल आए हैं, अगर मैं इसमें कमर्शियल लेता हूँ तो कमर्शियल के कोरस्पोंडिंग कोई भी नहीं आया, क्योंकि इस तरह से हमारे पास में ये हमने ड्रॉप डाउन के अंदर फिल करा लिए। फिल कराने के बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, क्लाइंट नेम सर्कल नेम आ गया, क्लाइंट नेम मैनुअल फिल होगा, असाइनमेंट में देख लेते हैं क्या कहते हैं। प्रॉपर्टी नेम सर्कल शुड बी विजिबल इन, ये हमने कंप्लीट कर दिया। टोटल प्लॉट्स रजिस्टर्ड बाय कस्टमर मस्ट नॉट एक्सीड नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल बाय द सर्कल एंड प्रॉपर्टी टाइप, एक सर्कल और प्रॉपर्टी टाइप में जो प्लॉट्स हैं वो उससे ज्यादा रजिस्टर नहीं होने चाहिए जितने आपके अवेलेबल हैं, मतलब 10 से ज्यादा इसके अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इसका लॉजिक हम बाद में लगाएंगे, पहले इसकी एंट्री का लॉजिक कंप्लीट कर लेते हैं। एरिया डालेंगे तो एरिया के कोरस्पॉन्डिंग हमारा ये प्रॉपर्टी वैल्यू और ये सब चीज कैलकुलेट हो जानी चाहिए। तो हम एरिया के चेंज, इसका इवेंट होगा चेंज इवेंट, इसके चेंज इवेंट पे हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो सर्कल के अंदर इसके रेट दिए हुए, हमें सर्कल से रेट उठाने हैं प्रॉपर्टी टाइप के कोरस्पॉन्डिंग। पहले हम इसके प्रॉपर्टी आईडी के कोरस्पॉन्डिंग उसकी रेट निकाल लेते हैं। रेट फाइंड करने के लिए एक अलग से एक हम मेथड बना लेंगे, इंटीजर गेट रेट, और इसके अंदर हमें क्या पास करना है, इंटीजर
इसके अंदर हमें पास करना प्रॉपर्टी टाइप। तो हमें इसमें रेट गेट करने हैं। रेट गेट करने के लिए एक मेथड, मैं मेथड देता हूँ गेट रेट। अब इसमें एक्सेस करने के लिए एक हमारे पास में प्रॉपर्टी टाइप है, एक सर्कल नेम है। सर्कल नेम से ही आपके क्या रेट उठ जाएंगे। तो इसको कोड को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सर्कल नेम था इसके ऊपर हम यहाँ से अनेबल ऑटो पोस्ट बैक करेंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे, उसका कोड कॉल कराएंगे। तो प्रॉपर्टी टाइप आईडी है और सिंग से भी आप उठा सकते हैं, सर्कल नेम से, सर्कल नेम से उठा लेते हैं। इसमें भी हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे, तो मैं वही कोड उठा लेता हूँ। हमें यहां से उठाना है रेट फ्रॉम सर्कल टेबल, प्रॉपर्टी आईडी, जो प्रॉपर्टी आईडी ये दी है, आगे और क्वेरी एक्सटेंड कर देता हूं मैं, प्लस एंड सर्कल नेम इज इक्वल टू सर्कल नेम। डेटा रीड करेगा। अब इसके अंदर हम एक क्वेरी लगा देते हैं, इफ पी आर डॉट हैज रोस, उसमें रो है, तो यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर रेट बाय डिफॉल्ट जीरो, रेट इज इक्वल टू पी आर डॉट रीड, डी आर को रीड करेंगे और डी आर के अंदर जो रेट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और इसके आगे इंट डॉट पास लगा देता हूँ। अब रिटर्न करा देते हैं हम इसके अंदर जो रेट हमने फाइंड आउट किए हैं। इस मेथड को हम कॉल करेंगे आपका, जो हमने सर्कल सेलेक्ट किया उससे। अब हमें प्रॉपर्टी आईडी चाहिए, प्रॉपर्टी आईडी हमें मिलेगी DDL टाइप डॉट सिलेक्टेड वैल्यू से। तो इंटीजर प्रॉपर्टी आईडी इक्वल टू, इसको भी हम इंट डॉट पास कर लेते हैं, इंटीजर में हमारा वैल्यू है। सेकंड हमें चाहिए सर्कल नेम, सर्कल नेम हमारा ये डीडी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसी से मिल जाएगा, इक्वल टू DDL सर्कल डॉट टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट। से आ जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी रेजिडेंशियल है पानीपत। अब हम इसको इस रेट पे डिस्प्ले करा देते हैं उसको, LBL रेट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वो भी रिटर्न किया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपके लेबल पे डिस्प्ले करते हैं। अगर हम इसको रन करें, कमर्शियल पानीपत
इंसर्ट क्वेरी में इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल फील्ड्स कौन कौन से आपने ऐड करने हैं, और लास्ट में वैल्यूज के अंदर इनके साथ में इनको एज ए वेरिएबल क्रिएट कर देना आपने इस तरह से। अब एसक्यूएल कमांड ले लेनी है, उसके अंदर आपको एसक्यूएल पास करना है, पी क्लाइंट का नाम, जेंडर, जो रेडियो बटन लगाए थे मैंने, अगर वो ट्रू है तो मेल चला जाए, अगर फॉल्स है तो फीमेल चला जाए। प्रॉपर्टी आईडी डीडीएल प्रॉपर्टी टाइप से ले लेंगे, सर्कल आईडी सर्कल से ले लेंगे, डेट ऑफ रजिस्टर करंट डेट ले लेंगे, एरिया एरिया हमने लिया था पीएक्सटी एरिया डॉट टेक्स्ट से, ऐसे ही नेक्स्ट फील्ड हमें इसके अंदर ऐड कर देने, एरिया प्रॉपर्टी वैल्यू, तो एरिया के बाद प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी, और उसके बाद थी टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट इनके फील्ड पास कर देते हैं इस तरह से। एक्सटी लेवल पे लिया हमने प्रॉपर्टी वैल्यू डॉट टेक्स्ट, और स्टैम्प ड्यूटी लेवल पे कैलकुलेट की थी स्टैम्प ड्यूटी डॉट टेक्स्ट, और अमाउंट टोटल लेवल पे डिस्प्ले कर रहा था टोटल अमाउंट डॉट, इस तरह से हमने ये सारे फील्ड पास कर दी, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन को ओपन कर लिया, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करा लिया। इसमें हम मैसेज दे देते हैं कि आपका डाटा स्टोर है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, शिफ्ट चार से पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे दोबारा, रेजिडेंशियल पानीपत मेल मैंने ले लिया 200, इसके हिसाब से कैलकुलेट हो गया और सबमिट करा दिया, डाटा स्टोर सक्सेसफुली। इसको हम चेक करते हैं इस टेबल के अंदर, क्या ये डाटा यहाँ पर शो करता है, तो यहाँ पर देखें स्टैम्प ड्यूटी आई डी ऑटोमेटिक लिया गया, क्लाइंट का नाम, सर्कल आई डी, डेट ऑफ रजिस्टर डेट आ गई है, एरिया आपका प्रॉपर्टी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी और टोटल अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो। अब हम इस असाइनमेंट की ये सारे डाल चुके हैं, कंडीशन हमें लगानी है कि वो नंबर ऑफ प्लॉट्स जितने हैं उससे ज्यादा कस्टमर्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो सर्कल आईडी और प्रॉपर्टी टाइप के हिसाब से हम काउंटर्स चेक कर सकते हैं कि क्या उसकी उतनी एंट्री हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो उसको आगे ना करें। उसके लिए हमें जो भी प्रॉपर्टी आईडी है और सर्कल नेम जो हमने लिया है उस पर ही चेक कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितनी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं उसके लिए एक मेथड लिख रहा हूँ, काउंट रजिस्टर प्रॉपर्टी टाइप आईडी से और सर्कल आईडी से, ये हमें इसमें चेक करनी है इस टेबल के अंदर। इस टेबल का नाम दे देंगे टेबल स्टाम्प ड्यूटी डिटेल्स, वेयर प्रॉपर्टी आई डी इक्वल टू प्रॉपर्टी आई डी एंड सर्कल आई डी इक्वल टू सर्कल आई डी। ये हम यहाँ से बात इंटीजर फील्ड है तो उस केस में जरूरत नहीं लगती। यहाँ हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आईडी ही सिलेक्ट कर लें, उसकी जो रिकॉर्डिंग ये आपका रोज सिलेक्ट करेगा। अगर यहाँ पर हम काउंटर लगा दें और
जो क्वेरी थी इसके अंदर वो था टोटल प्लॉट रजिस्टर्ड बाय द कस्टमर मस्ट नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल द सर्कल एंड प्रॉपर्टी टाइप। इसको करने के लिए जब भी हम उसके अंदर डेटा स्टोर कराएंगे तो पहले चेक करेंगे कि हमारे पास में नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं। उसके लिए मैंने मेथड लिखा है कि हमें क्या करना कि गेट द नंबर ऑफ प्लॉट्स प्रॉपर्टी टाइप आईडी से और सर्कल आईडी से। इस कोड से हम क्या करेंगे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमें फाइंड आउट करना कि कितने हमारे रजिस्टर हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें रजिस्टर काउंटर बनाया। वो फाइंड करने के लिए गेट काउंट रजिस्टर किस प्रॉपर्टी टाइप के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी आईडी के कोरस्पॉन्डिंग और उस सर्कल आईडी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में ऑलरेडी कितने रजिस्टर हो चुके हैं, एक हो चुका है या दो हो चुके हैं या तीन हो चुके हैं। इन दोनों से इस मेथड को और दूसरे जो मेथड है हमारा नंबर ऑफ प्लॉट्स को, इसको मैंने कॉल कराया कि हमारे पास में उस आईडी के कोरस्पॉन्डिंग सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, कितने हमारे रजिस्टर हो चुके हैं। अब अगर नंबर ऑफ प्लॉट्स और टोटल रजिस्टर इक्वल टू है तो मतलब हमने ट्रू रिटर्न करा लिया, अदरवाइज इसको फॉल्स रिटर्न करा लिया। इस मेथड को जब हम सबमिट कराते हैं डेटा, उस सबमिट बटन पे मैंने इसको कॉल कराया कि अगर रजिस्टर काउंट नॉट फॉल्स है, मतलब अभी तक टोटल रजिस्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं सभी प्लॉट्स के लिए, तो वो क्या है एंट्री ले लेगा। अगर वो ट्रू हो गया तो मैसेज दे देगा कि आपकी अब एंट्री अलाउड आपको नहीं है और रजिस्ट्रेशन आप इसमें कंप्लीट नहीं कर सकते। ये हमारा ये कोड हम जो लिखा हमने कोड हमने लिखा है इसके लिए, टोटल प्लॉट्स रजिस्टर्ड बाय कस्टमर मस्ट नॉट एक्सीड नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल द सर्कल एंड प्रोटोटाइप। अब हमारा जो सेक्शंस नेक्स्ट सेक्शन बचा है वो है जनरेट फॉलोइंग रिपोर्ट्स। अब हमें दो रिपोर्ट्स इसमें जनरेट करानी है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विद इन टू डेट्स, दो डेट्स के बीच में रजिस्ट्रेशन की, और डिस्प्ले स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज। इसके लिए मैं अलग से दूसरा सेक्शन इसके अंदर क्रिएट करूंगा वीडियोस का, उस वीडियो के लिए वेट करें। और जो आज वीडियो में आपने को मैंने डिफाइन किया उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से आप इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 3 आवर्स का टाइम लगा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको देखने के साथ साथ आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो नेक्स्ट जो इसकी वीडियो है वो मैं जब डालूँ आप उसको आप देख सकें। और उसका सेकेंड पार्ट में मैं इससे को रिपोर्टिंग कैसे करेंगे हम इसके अंदर वो मैं आपको डिस्प्ले बताऊंगा, उसी कैसे क्वेरी बनानी है आपने, ज्वाइन क्वेरी कैसे आप इसमें लगाएंगे, ज्वाइन क्वेरी ऑटोमेटिकली कैसे बनाएंगे वो भी मैं इसके अंदर डिस्प्ले कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।